मैं प्रिया आपके साथ। भारत से विदेश भेजे जाने वाले सभी कफ सिरप की अब लैब टेस्टिंग होगी। लैब में परीक्षण के बाद ही सिरप को एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। नया नियम 1 जून से लागू होगा। पिछले साल गाम्बिया में 66 और उज्बेकिस्तान में 18 बच्चों की मौत हुई थी। दावा किया गया था कि ये मौतें भारत में बनी खांसी की दवाइयों को पीने के बाद हुई है। DGFT ने सोमवार को एक नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक बिना जांच और प्रमाण के कफ सिरप को विदेश नहीं भेजा जाएगा। DGFT से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि भारत से एक्सपोर्ट की जाने वाली दवाइयों की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। राज्य सरकारें और दवाई बनाने वाली कंपनियां एक्सपोर्ट से पहले दवाई की टेस्टिंग की सुनिश्चित कर लें। फरवरी में तमिलनाडु स्थित ग्लोबल फार्मा हेल्थ केयर ने अपने सभी आई ड्रॉप्स वापस मंगा लिए थे। वहीं WHO ने 2022 में भारत के 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया था। सरकार ने टेस्टिंग के लिए जीन लैब्स को चुना है, उनमें भारतीय फार्माकोपिया आयोग, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लैब, केंद्रीय दवा प्रयोगशाला, केंद्रीय दवा टेस्टिंग लैब